हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। गाइस, अगर आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन है तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका फ़ोन कभी भी अगर चार्जिंग में लगाते हैं तो आपका फ़ोन पूरा 100% चार्ज हो जाता है, और आप बार बार ऐसा करते हो उसके बाद क्या हो जाता है गाइस कि काफ़ी दिन बाद गाइस आपके फ़ोन की जो बैटरी है गाइस वो मतलब ख़राब हो जाती है, आपके फ़ोन की जो बैटरी बैकअप है अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा, एक ऐसा फीचर आया आपके सैमसंग फ़ोन में जैसे कि 70% चार्ज जैसी होगा उसके बाद कुछ भी कर ले आपका फोन चार्ज और ज्यादा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि रात को मान लो कि सोने के टाइम अपने फोन को आप चार्जिंग में लगाते हैं, तो आप चाहे तो इस चीज को आप इनेबल कर सकते हैं, उसके बाद आप रात को चार्ज में लगा के छोड़ दीजिए, जैसे ही 70% होगा उसके बाद आपके फोन चार्जिंग उसके ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे सैमसंग केयर जो होते हैं वो खुद बोलते हैं कि आप अपने फोन की बैटरी की अगर लाइफ चाहते हैं तो आप 70% से ऊपर चार्ज ना करें, 70% तक ही चार्ज करें, उससे ज्यादा करेंगे तो आपके फोन की जो है बैटरी है खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कई सारे मतलब आपको ऐसे वीडियो मिलते हैं जहाँ पे आपको बताते हैं कि आजकल के फोन स्मार्ट हो गए हैं, मतलब आप 100% भी चार्ज हो जाता तो उसके बाद भी आपका फोन की बैटरी खराब हो जाता। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अगर जी 100% तक अगर चार्ज करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइस आपके फोन की बैटरी जो है गाइस ज्यादा दिन तक नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में, वहाँ पे आके मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी सेटिंग है जिसको आपको करना चाहिए। जैसे कि रात को जब भी आप चार्ज करेंगे तो इस सेटिंग को आप इनेबल कर देंगे तो आपकी फोन की जो है बैटरी जो है कभी भी खराब नहीं होगा। गाइज आ चुके हैं हम अपनी फ़ोन की स्क्रीन में, यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है अपने फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि स्क्रीन को करना है नीचे, नीचे करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे बैटरी एंड डिवाइस केयर, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा बैटरी का। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है पावर सेविंग मोड, यहाँ पे आपका ये ऑफ है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है सारा चीज़। जैसे देख सकते हैं नीचे आपको लिखा हुआ आ रहा है कि लिमिट CPU स्पीड 70%, जैसे कि इसको आप अगर जो ऑन कर देते हैं तो 70% से ऊपर आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा, वहीं तक ही होगा, उसका लिमिट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है डिक्रीज ब्राइटनेस बाई 10%, तो इसको आप ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस कि आपको इसे कर देना है ऑन, जैसे कि आपका ऑफ है तो इसे आपको ऑन कर देना है। जब भी आप रात को चार्ज में लगाते हैं तो इसको आप ऑन कर दीजिए, चाहे तो इसे आप दिन में हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस इससे आपकी फ़ोन की जो गाइस बैटरी की गाइस लाइफ काफ़ी अच्छी बन जाती है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर कर लेना चाहिए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।